हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो फॉर ग्राफिक्स। माय नेम इज़ नीतू। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, आप गो फॉर ग्राफिक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं एंड आप फेसबुक पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप गो फॉर ग्राफिक को फेसबुक पर भी फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं हम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन टूल, पेन टूल के बिना। ठीक है, तो जो ये अभी आप शेप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही शेप हम बनाना देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, वो भी बिना पेन टूल के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ। डॉक्यूमेंट साइज़ आपको जो रखना है आप रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से टाइप टूल लिया एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने अपने इसको फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ शिफ्ट की के साथ। ठीक है, अब आपको, आप अपने फॉन्ट में चेक कर लीजिए, आपको जिसमें भी बेटर रिज़ल्ट मिल रहा है आप वो रख सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं ये रख लेती हूँ बेल एम्प्टी। ठीक है, बेल एम्प्टी फॉन्ट मैंने लिया है। अब आप क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ से आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, इसको एक्सपेंड कर लो, ओके पर क्लिक करेंगे। गाइस, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास या फिर मैंने एक दो दिन पहले ही सीज़र टूल की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि सीज़र टूल के क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। प्लीज़ आप सीज़र टूल के ऊपर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें, इससे आपको इस तरीके का फ्रेम बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, आप सिंपली सीज़र टूल सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, जूम किया, देन मैं एक यहाँ पे कट लगाऊंगी और एक मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल वापस सेलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, इसको अनग्रुप किया, अगेन राइट क्लिक किया एंड रिलीज़ कंपाउंड पाथ। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अलग इस तरीके से हो जाएगा। आप क्या करो, पीछे वाले को सिलेक्ट करो एंड उसको अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दो। ठीक है, अभी आप देखो ये फिल में ले रहा है यहाँ से, तो आप क्या करो, क्योंकि इसका जो यहाँ पे ये फिल है, ठीक है, आप इसको यहाँ से नन कर दो और इसका जो स्ट्रोक है यहाँ से इस पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्ट्रोक रखना है इतना इनफ है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड रिफ्लेक्ट में जाओ। ठीक है, मेक श्योर कि आपका प्रीव्यू ऑन हो और इस तरीके से आप यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लो। ओके, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एंड इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख देंगे इस तरीके से, देन एक ऑल्ट के साथ इसका कॉपी ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड यहाँ पर आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दो इस तरीके से एंड यहाँ पे आप इसको अब सेट कर लो। ठीक है, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे एंड इसका एक कॉपी ले लेंगे। ओके, एंड इसको सेलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये इक्वली प्रोपोर्शन में, एंड इसको यहाँ से आप सेट कर लो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो है ये सारे सेपरेट हैं तो अभी हमें इनको एक शेप में कन्वर्ट करना है, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे एंड यहाँ से आप जॉइन पर क्लिक कर देंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से जे भी प्रेस कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो इसका स्ट्रोक है
ये इस तरीके से प्रॉपर में फिनिशिंग में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, आप पाथ फाइंडर जो है वो ओपन कर लो। अगर आपको पाथ फाइंडर नहीं शो कर रहा है तो आप विंडो में जाइए, यहाँ से आप पाथ फाइंडर ओपन कर लीजिए। इसका जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप अपने शेप को सिलेक्ट करो, देन यहाँ से आप ये जो है कंपाउंड शेप जो ऐड कर देता है सारे एरिया को, इस पर क्लिक करोगे तो अब आप देखो यहाँ से ये जो मैं अंडो करके आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से जो इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, जैसे ही मैं इसको मर्ज कर दूँगी तो इसकी फिनिशिंग आ गई और ये एक शेप में क्रिएट हो गया। अब आप क्या करो, अब आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आप इसको अपनी स्केल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन मैं इसी का एक कॉपी ले रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। यहाँ से इसका स्ट्रोक कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रोक विड्थ कम, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम करली ब्रैकेट से भी विदाउट पेन टूल यूज़ किए बहुत ही प्यारा सा एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।